हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ वानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर जेड एक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले वही यूज़र के लिए जो मुझसे पूछते थे कि जियो टी वी का आईडी बता दो, जियो टी वी का आईडी क्या है। दोस्तों इस वीडियो सिर्फ आपके लिए, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखिए और मुझे फॉलो करते रहिए स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर लेने के वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद उसके यहाँ पर एक बेल आइकन आ जाता है, इसके ऊपर भी एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐप पर मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए इसके वीडियो पे आते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों और एक चीज़ है, जो लोग ड्रीम इलेवन खेलते हैं दोस्तों, ये तो दोस्तों प्लीज़ आप कोई भी टीम बनाने से पहले मेरे वेबसाइट पे आके एक बार विजिट कर लीजिए। यहाँ पर ड्रीम इलेवन का टिप एंड ट्रिक्स अपडेट होता रहता है और आपको यहाँ पर सही सभी क्रिकेट या कोई भी टीम का डिविजन पा सकते टीम। तो सही देखिए यहाँ पर आपको टीम ही दिया जाता है, तो यह सब टीम लेके ज्वाइन कर सकते दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर मेरा नया जो फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक फैन पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं। इसको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल के यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ये मुझसे आपको गुजारिश है कि दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और दोस्तों चलिए आज के जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड, तो मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले वही सब्सक्राइबर्स के लिए जो लोग मुझसे पूछते थे कि जियो आईडी क्या है, जियो आईडी कैसे मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो सिर्फ आपके लिए और देखते रहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जियो टी वी कैसे चला सकते हैं विदाउट जियो आईडी के साथ। दोस्तों चलिए सबसे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे देख सकते हैं इस टॉप टी वी जो नाम है यही फाइल आपको मिलेगा दोस्तों। इसको ओपन करना है दोस्तों। जैसे आप ओपन करेंगे अब देख सकते ओपन हो रहा है, ये देखिए। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ लिखा आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख जाता है इसके ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाता है और एक डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। ये जो दूसरा जो ऑप्शन है डाउनलोड लिंक टू, इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ब्राउज़र सिलेक्ट करना है। अब अगर यूट्यूब ब्राउज़र यूज़ कर रहे होंगे तो यूट्यूब ब्राउज़र सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। इसके बाद इसको डाउनलोड करना है दोस्तों, और एक फाइल इसके डाउनलोड हो जाएगा इस लिंक से दोस्तों। चलिए दोस्तों सिंपली दूसरा एपीके पे आ जाते हैं दोस्तों। ये देखिए वहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाया मैंने, वहाँ से जो ऐप डाउनलोड हो जाएगा वो यही ऐप है, ये वाला दोस्तों। इसको ओपन कर लेते हैं पहले। तो जैसे इसको ओपन करेंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। तो इसका लोगो आप देख सकते हैं, इसका जो नाम है वो है टॉप टीवी। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो चुका है दोस्तों। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ लुक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आपको है दिया गया है, जैसे कि डैशबोर्ड, यहाँ पर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ओटीआई पर कुछ ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, जैसे कि बिग बॉस स्पेशल 11। ये देखिए यहाँ पर आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स का ऑप्शन है, आप चाहे तो इस स्पोर्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे कि एक है जैस्मिन टीवी। दोस्तों मैं बता दूँ ये जो जैस्मिन टीवी है ये कोई जैस्मिन टीवी नहीं है, ये जियो टीवी का ही जियो टीवी का सभी चैनल इसमें है, जो यहाँ पर नाम बदल के जैस्मिन टीवी कर दिया गया है दोस्तों। दूसरा जो देखिए ये देखिए यहाँ पर एस्ट्रा टीवी, ये जो है वो एयरटेल टीवी का है। अब इसको लोगो देख के समझ सकते हैं ये कौन सा है दोस्तों। मैं पहले जियो टीवी के बारे में बता दूँ आपको, ये जो ऑप्शन आपको दिख जाता है जैस्मिन टीवी का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लोडिंग हो जाएगा दोस्तों। लोडिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हैं जो भी चैनल आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको फिल्टर करके
वो ला सकते हैं। देखिए अगर लैंग्वेज जो है किस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं वो ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे चैनल आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये देखिए बहुत सारे चैनल आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप यहाँ से चैनल देख सकते हैं, और आप कोई भी चैनल आपको चाहिए होता है यहाँ पर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रही चैनल की बात। दोस्तों यहाँ पर चलिए कोई भी चैनल हम प्ले कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर शायद एक प्रॉब्लम आता है कि स्टार स्पोर्ट्स का चैनल जो है वो कभी नहीं चलता है, शायद इन्होंने फिक्स किया होगा, मैंने देखा नहीं है अभी। तो देखिए दोस्तों ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है जैसे चैनल का, तो आप कोई भी चैनल यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो JioTV का स्पोर्ट्स चैनल वो भी यहाँ पर है, और दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारा चैनल यहाँ पर आपको मौजूद है, मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों चलिए मैं एक चैनल प्ले करके आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये जो चैनल है सोनी HD का। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे HD, सॉरी यहाँ पर जो पॉपअप आएगा इसके इसको आप क्लोज कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि HD, फुल HD और कैप्चरशिप TV। दोस्तों ये देखिए ये जो पहला ऑप्शन है आपके, ये डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कैसा है। दोस्तों मेरा नेटवर्क अभी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं HD पे सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे और एक पॉपअप आ जाएगा, सॉरी नहीं आया दोस्तों देख सकते हैं वो TV प्ले स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको फुल स्क्रीन या मिनिमाइज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे चैनल यहाँ पर मौजूद है, तो मैं और एक चैनल आपको प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों। इसको नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करके, कौन सा प्ले करूँ दोस्तों। यहाँ पर आप कोई भी चैनल प्ले कर सकते हैं दोस्तों, कोई ये सेम सेम JioTV की तरह ही काम करते हैं, और इसमें उसके सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं दोस्तों। चलिए मैंने इस चैनल को प्ले करता हूँ। तो सेम प्रोसेस है दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो आप HD पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं वो चैनल प्ले होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। इसी तरह आप कोई भी JioTV का चैनल फ्री में चला सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी JioTV का ID वगैरह की ज़रूरत नहीं है, JioTV नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप बहुत सारे चैनल फ्री में देख सकते हैं दोस्तों। आप आई होप आपको मैं कुछ हेल्प कर सका, क्योंकि ये कुछ दिनों में आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि JioTV का ID दे दो, JioTV का ID कैसे मिलेगा हमको, JioTV कैसे देख पाएंगे दोस्तों। इस वीडियो सिर्फ आपके लिए है, शायद आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।